पृथ्वी नाम संस्था पिछले एक दशक से हर साल दीपावली के दिन उल्लू पूजन करती है, जिसमें यह उल्लू पूजन हर साल देश या प्रदेश में हो रही किसी बड़ी समस्या को समर्पित होता है। कॉलेज के प्रोफेसर पहले उल्लू की पूजा करते हैं, उसके बाद प्रतीकात्मक उल्लू को नंगे पांव जाकर नदी में प्रवाहित करते हैं। दिन दिवाली के दिन उल्लू पूजन कर रहे पृथ्वी संस्था के ये डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर हैं, जो हर साल देश या फिर प्रदेश की किसी भी बड़ी समस्या के रुकाव के लिए ये उल्लू पूजन किया करते हैं। देखिए, हम लोग प्रत्येक वर्ष दिवाली के दिन उल्लू पूजन करते हैं और किसी ना किसी आपदा या किसी ना किसी समस्या को उस देश से दूर जाने का आह्वान करते हैं, ये मान करके कि उल्लू के रूप में वो आपदा उड़ जाए, यहाँ से चली जाए। इस वर्ष जो सबसे बड़ी आपदा है वो है प्रकृति में होने वाले परिवर्तन, जिसके कारण अनेक महामारियाँ और अनेक समस्याएँ पैदा हो रही हैं। भारत प्राकृतिक संपदा की दृष्टि से शायद विश्व का सबसे ज़्यादा समृद्ध देश होगा। यहाँ सभी प्रकार की जलवायु है, पानी है, मिट्टी है, सभी प्रकार के प्राकृतिक संसाधन हैं, लेकिन भारत के तमाम लोग ऐसे हैं जो इन संसाधनों का अपने हित में दुरुपयोग कर रहे हैं। संसाधनों का अति प्रयोग और संसाधनों के दुरुपयोग से अनेक प्रकार का पर्यावरण का असंतुलन पैदा हो रहा है, प्रदूषण पैदा हो रहा है, जिससे देश में महामारियाँ फैल रही हैं। एक महामारी कोरोना के रूप में भी आई, वो भी एक प्राकृतिक महामारी थी और जहाँ जहाँ प्रकृति स्वच्छ थी। अपने शहर की एक संस्था है पृथ्वी, जिसमें हम लोग सभी लोग उसके एक्टिविस्ट हैं, और इस संस्था में अपने शहर के डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर्स और सीनियर छात्र छात्राएं इसके सदस्य हैं। संस्था द्वारा पिछले 10 वर्षों से दीपावली के अवसर पर इस तरीके का एक इवेंट जो है उल्लू पूजन का, ये आयोजित किया जाता है, जिसका पर्पस है कि व्यक्ति के अपनी जो विजडम है उसको अवेयर करना। इस वर्ष हमारी थीम थी प्राकृतिक आपदाएं और जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन से पूरी दुनिया जो है इस समय त्राही कर रही है, और इसलिए हम लोगों ने कि लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा हो और वो अपनी ही जो उनके ब्रेन की जो सोच है उसको हम लोगों ने दृष्टिगत रखते हुए इस तरीके के कार्यक्रम को आयोजित किया है। भारतीय संस्कृति और परम्परा में उल्लू अंधकार का प्रतीक है, और ये कहा जाता है कि जहाँ पर बुद्धिमता ज़्यादा होती है तो वहाँ पे इरर्स भी बहुत होते हैं समाज में और पूरी दुनिया में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।